जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सदैव बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे, आपके घर में सुख समृद्धि आए, खुशी आए। मेरे प्रिय दर्शकों, आज बात करेंगे 23 सितंबर 2022 राशिफल के बारे में और मेष राशि से मीन राशि के विषय में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी एनिवर्सरी है, क्या उपाय करना चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कुंडली के अनुसार मैं आपको कुछ सरल उपाय बताएं। तो शुरू करते हैं आज का पंचांग। शुक्रवार 23 सितंबर 2022, मास अश्विनी, नक्षत्र मघा, सूर्योदय 6:09, सूर्यास्त 6:17, चंद्र राशि सिंह राशि है, राहुकाल 10:42 से 12:13, शाम को तिथि त्रयोदशी है। तो प्रिय दर्शकों, अब शुरुआत करने जा रहे हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले कुछ घटनाएं आपके मन के विरुद्ध क्यों हो रही थी, इस बात का कारण समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से परिस्थिति की तरफ से समझौता करने की तैयारी दिख सकती है। फिलहाल मानसिक रूप से कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। अभी की परिस्थिति में केवल अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाकर काम करते रहने की आपकी जरूरत है। शुभ रंग सफेद है, शुभ अंक आपका 4 है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज आपको क्या उपाय करना चाहिए? आज आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोतम का पाठ करना चाहिए। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वाले, कार्य के विस्तार से संबंधित सोच विचार किया जाएगा, साथ में जो प्रॉपर्टी आपको बनानी है उसके संबंधित कदम भी आज आपके द्वारा उठाए जा सकते हैं। आपकी अपेक्षा के अनुसार लोन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी मार्ग से आपको पैसे जरूर मिल जाएंगे, जिसके कारण अटके हुए काम आगे बढ़ने लगेंगे आपके और काम पूरे हो जाएंगे। शुभ रंग गुलाबी है, शुभ अंक आपका 9 है। आज आपको क्या करना है, जब भी आप घर से बाहर जाए तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाए। मिथुन राशि वाले, पैसों से संबंधित व्यवहार करते समय किसी व्यक्ति को साक्षी रखना आपके लिए जरूरी होगा। महत्वपूर्ण बातों की जानकारी अपने परिवार के लोगों को दे। सामाजिक कार्य का हिस्सा बनते समय अपने व्यक्तिगत बातों को लोगों के साथ शेयर न करें, न ही अपने आर्थिक परिस्थिति के बारे में किसी व्यक्ति को पूरी तरह से जानकारी दें। शुभ रंग पीला है, शुभ अंक आपका 1 है। आज आप क्या करें, गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। कर्क राशि वाले, जिन बातों के कारण मन में निराशा हो रही थी उन बातों की तरफ अधिक ध्यान देकर कठिन कार्य का सामना करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। अनेक प्रकार की भूतकाल से संबंधित बातों में आप अधिक उलझे हैं, जिसके कारण जिस लक्ष्य की प्राप्ति आप करना चाहते हैं उसके प्रति भी आपको नकारात्मकता महसूस होती है। इसलिए भूतकाल की बातों को पहले सुलझाए, तभी भविष्य से संबंधित बातों को ठीक करना आसान होगा। शुभ रंग लाल है, शुभ अंक आपका 5 है। आज आप क्या करें, आज आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर जाए और बंदरों को गुड़ और चने जरूर खिलाए। सिंह राशि वाले, जीवन में प्राप्त हुई हर एक बात के प्रति आपको सकारात्मकता महसूस होगी, साथ में इन्हीं बातों का महत्व महसूस होने के कारण किसी प्रकार से आप इन भविष्य में नजरअंदाज नहीं होने देंगे। आपसे जुड़े लोगों की भावनाओं की कदर करना आप जानते हैं, इसलिए खुद के प्रयत्नों द्वारा उन्हें किस प्रकार से खुशियां दी जा सकती है, इस बात पर अधिक ध्यान बना रहेगा। शुभ रंग पर्पल है, शुभ अंक आपका 7 है। आज आप क्या करें, पक्षियों को हरी मूंग की दाल जरूर खिलाएं। कन्या राशि वाले, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो संयम आपने रखा था और जो इंतजार था वह लगभग खत्म हुआ है। किसी व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण बात पता चलने की वजह से आपकी योजना में क्या बदलाव लाने हैं और अगला कदम क्या होना चाहिए, इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी। घर से जुड़ा बड़ा निर्णय आपके द्वारा योग्य तरीके से लिया जाएगा। शुभ रंग हरा है, शुभ अंक आपका 3 है। आज आप क्या उपाय करें, आज आप बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर जाएं। तुला राशि वाले,
काम को शांत तरीके से करने का मार्ग प्राप्त होगा, किन्हीं इसी मार्ग के कारण आप कुछ तुला राशि वाले काम को शांत तरीके से करना करने का जो मार्ग है आज आपको प्राप्त होगा, इसी मार्ग के कारण आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय का असर आपके जीवन पर क्या होगा और क्या यह निर्णय भविष्य के लिए भी लाभदायक है, इन दोनों बातों पर सोच विचार करना जरूरी है। शुभ रंग सफेद है, शुभ अंक आपका 2 है। आज आप क्या करें, आज आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सहम शुक्राइन में इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले हड़ी बड़ी में किसी प्रकार का निर्णय आपके द्वारा लिया जाएगा और बाद में उस निर्णय के बारे में सोच विचार किया जाएगा, जिसके कारण केवल मानसिक तकलीफ हो सकती है। यदि आपने निर्णय लिया तो उसके परिणामों का सामना करने की क्षमता आपको रखनी होगी और आज प्राप्त हुई सीख का इस्तेमाल भविष्य से संबंधित निर्णय के लिए जरूर करें। शुभ रंग नीला है, शुभ अंक आपका 6 है। आज आप क्या करें, सूर्य को जल दे, आदित्य हृदयस्तोत्रम का पाठ करें। राशि वाले पुराने मित्र या व्यक्ति जिस व्यक्ति के करीब आप अधिक थे उनके फिर से संपर्क में आने की वजह से मानसिक तकलीफ का सामना आपका होगा, लेकिन इस व्यक्ति को आप फिर से दोबारा जीवन में नहीं लाना चाहते, इसलिए निर्णय भले ही कठिन हो लेकिन उस पर टिके रहना आपके लिए आवश्यक नहीं होगा। शुभ रंग हरा है, शुभ अंक आपका 1 है। आज आप क्या करें, आज आप अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। मकर राशि वाले आपके स्वभाव में और मूड में बड़े उतार चढ़ाव नजर आएंगे। जिन घटनाओं का असर आप पर नकारात्मक तरीके से हुआ था उन घटनाओं को पीछे छोड़कर अपने आप को मानसिक और शारीरिक स्वरूप से बेहतरीन बनाने की कोशिश आपकी रहेगी, लेकिन भावनाओं का प्रभाव आज आप पर अधिक दिख सकता है, जिसके कारण बार बार आप अपने मार्ग से विचलित होंगे। शुभ रंग गुलाबी है, शुभ अंक आपका 4 है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज आप क्या उपाय करें, आज 1 रुपये का सिक्का लेकर घर से बाहर जाए और रास्ते में आपको अगर कोई किन्नर दिखाई दे तो उसको दे दे, आपकी सारी मुसीबतें जो है आज के दिन दूर हो जाएगी। कुंभ राशि वाले हर एक बात की खुद के ऊपर बढ़ रही जिम्मेदारी आपको चिंतित बना सकती है। अधिक चिंता के कारण आपकी सेहत पर तुरंत नकारात्मक प्रभाव दिखने लगेगा। योग्य डॉक्टर और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए आवश्यक है। मित्र परिवार में से कोई व्यक्ति आपके परिचय का गलत फायदा भी उठा सकता है, इसलिए अपने सारे स्रोत की जानकारी उनको बिल्कुल न दे। और आज आपका शुभ रंग नीला है, शुभ अंक आपका 8 है। आज आप क्या उपाय करें, पीपल में जल जरूर दे। मीन राशि वाले अपने काम को शांतिपूर्वक और पूरे फोकस के साथ करने की आपको जरूरत है। आज आपको घर और काम दोनों में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा, वरना आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, साथ में कार्य क्षमता पर भी इसका असर नजरअंदाज आ सकता है। फिलहाल अपनी जिम्मेदारी को बांटने के लिए योग्य व्यक्ति आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति खोज जारी रखें। शुभ रंग सफेद है, शुभ अंक आपका 3 है। आज आप क्या करें, आज जब भी आप घर से बाहर जाए तो आप बड़ों का आशीर्वाद लेके जाए और रास्ते में गाय के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके जाए, ताकि आपका दिन जो है अच्छा जाए। मेरे प्रिय दर्शकों, आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी एनिवर्सरी है, क्या उपाय करना चाहिए, देखिए आज सबसे पहले आप क्या करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और गरीबों को कुछ ना कुछ आज जरूर बांटे और शिव मंदिर में जाए और शिवलिंग पर जल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा क्या विशेष है जो आपको करना चाहिए, तो आप मुझसे मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय भैरव बाबा की।